जब ही से। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं? नहीं सर, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है सर। जो अपने प्राणनाथ को मार दे? नहीं सर, वो इस लायक है समाज में रहे वो? सर वो ऐसी एविडेंस। आप तो वाइफ हो ना? हाँ वाइफ है। तब तो वाइफ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा हस्बैंड कैसे मरा? ये खेत पर मड़ैया में सर, मड़ैया ये बताया है। क्या एक ही कमरे में अलग अलग कमरे? देखो सुनो बहन, सुनो इनकी, कह दो अभी कर्मों का फल भुगतो। तुमने अपने पति को मारा है और ऑफेंस? ऑफेंस 334। अच्छा जी, इसमें लॉर्डशिप ऑल विटनेस होस्टाइल हुई, एक आई विटनेस बताया, उसका स्टेटमेंट 5 दिन बाद लिया है। और उस वो और इन बच्चों ने क्या बोला है जी लॉर्डशिप? सभी होस्टाइल हैं, बच्चों ने होस्टाइल, सभी होस्टाइल हैं सर। ये केवल महेश अपने आप को आई विटनेस बताता है, जो मृतक का भाई है, और PW1 कमल किशोर जी दोनों भाई अनुसूत्र साक्षी हैं। यर से है कमल के सोच। तो आप जिसने मारा है आपका जो फ्रेंड था उसको बेल मिल गया? नहीं, आपकी लगी हुई है सर, उसकी पेंडिंग है। कौन वो महिला की आदमी की? ये तो महिला की है ना? ये महिला है सर, इसके 3 बच्चे हैं, नानी के यहाँ रह रहे, एक 13 साल की बच्ची है और एक 20 साल का बेटा है और एक 21 साल का, और कोई नहीं है, नानी वृद्ध है उन्हीं के यहाँ रह रहे हैं, ये लोग रख नहीं रहे। जब इस तुम्हारे कर्म ऐसे हैं? नहीं सर, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है सर। जो अपने प्राणनाथ को मार दे? नहीं सर, वो इस लायक है समाज में रहे वो? सर वो ऐसी एविडेंस नहीं आई है। जो महेश है PW2 उससे हमारी झगड़ा चल रहा है, रिपोर्ट हुई है, कमल किशोर कह रहा है हमने कोई घटना नहीं देखी। तो कैसे कोई भूत आके मार गया उसको? कौन मार दिया उसको? नहीं सर, ये कहा है 26/2/15 की घटना बताई, 3/3/15 यमराज आए उठा के ले गए, 3/3/15 को रिपोर्ट हुई है। और कमल किशोर और महेश रियल ब्रदर है मृतक की, उन्होंने मर्ग इंटीमेशन दी, मर्ग इंटीमेशन में कहीं कोई डिस्क्लोज। अरे भाई, तो आप वाइफ हो, आपने तो बताना पड़ेगा ना कैसे मरा वो? सर हम तो उन्हीं के बगल में रहते, उसको सांस। आप तो वाइफ हो ना? हाँ वाइफ है। तब तो वाइफ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा हस्बैंड कैसे मरा? ये सब लोग थे एक ही घर में, जॉइंट फैमिली में, अलग अलग कमरे हैं सर। आप मुझे बता, क्या आपका उससे आप लोग अलग कमरे में रहते थे क्या? एक ही कमरे में अलग अलग कमरे? देखो सुनो बहन, सुनो इनकी, एक ही कमरे में अलग कमरे में रहते हैं? सॉरी सर, एक ही मकान में अलग अलग कमरे हैं, सभी रहते हैं। यानी कुछ तो मतलब ध्यान रखो, हाईकोर्ट में बहस कर रहे हो, बस ये केन प्रकरण बेल मिलना चाहिए। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। आप बीवी हो, अगर बीवी को ना पता होगा कि पति कैसे मरा, इससे बड़ा सस्पेशन और क्या होगा? ये खेत पर मड़ैया में सर, मड़ैया ये बताया है कि वहाँ पर चारपाई पे मरा पड़ा हुआ था। हाँ, सगे और भाई बीवी गई, उसका अच्छा देखा, मर गया, अच्छा मर गया। सगे भाई ने रिपोर्ट की सर, फिर नहीं एडमिट नहीं किया सर। मैं उसका स्टेटमेंट देख ले सर, ये जो उसका स्टेटमेंट उसने ही रिपोर्ट करी है। अच्छा, ये घर में सो रही थी वो मड़ैया मर गया? नहीं नहीं सर, ऐसा है? हाँ सर, उसका जो स्टेटमेंट है उसी ने मर्ग इंटीमेशन दी, उस पर से FIR हुई है, और FIR में कहीं कोई डिस्क्लोज नहीं किया है। 5 दिन बाद सो कॉल्ड आई विटनेस। तो मुझे ये बता दो, बीवी होने के नाते वो मड़ैया में कैसे पहुंचा जहाँ तुम नहीं थे, और उसकी मौत हुई, तुमने उसके बारे में किसके किससे क्या क्या कहा? इसमें सर आप टॉपिक रखते हैं, मैं अभी कह दो अभी कर्मों का फल भुगतो। तुमने अपने पति को मारा है, अभी कुछ नहीं मिलने वाला सर। एक बिग बात रख दें मैं, पर क्या बताओगे तुम जब आज ही तैयार नहीं हो, स्पेशल बेंच बैठा है सर, अब बढ़वा रहे हो मुकदमा बार बार। मैं लगाओ, 6 हफ्ते बाद लगाओ ऑब्लिक एस्पिरेट फॉर।